रीवा जिले के हनुमाना जनपद शिक्षक केंद्र व एलिम्को निगम के सहयोग से शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हनुमाना में जिला चिकित्सालय रीवा द्वारा दिव्यांग बच्चों की दिव्यांगता के मूल्यांकन हेतु शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण मूल्यांकन कर नेत्र परीक्षण, अस्थि रोग, ENT रोग, मनोरोग के बच्चों को चिन्हित कर प्रमाण पत्र जारी किए गए। जिला चिकित्सालय रीवा के विशेषज्ञों की मौजूदगी में तथा जनपद शिक्षा केंद्र हनुमाना के BRCC देवेंद्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में तथा देख रेख में आयोजित दिव्यांग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हुए तो दिनांक 5 सितंबर को योजना अनुसार जिला चिकित्सालय रीवा से आए चिकित्सक विशेषज्ञों द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों का चिकित्सालय परीक्षण किया गया है। जिला मेडिकल बोर्ड एवं एलिम्को टीम जबलपुर द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गई और परीक्षण उपरांत प्रमाण पत्र तथा उपकरण हेतु चिन्हांकन किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग की योजना अनुसार शिविर में उपस्थित एवं समस्त दिव्यांग बच्चों को नाश्ता, लंच पैकेट एवं परिवहन राशि वितरित किया गया। आयोजित शिविर में मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल मौजूद रहे, उन्होंने दिव्यांगों को प्रमाण पत्र वितरित किए। विद्यालय में ये 0 से 18 साल तक के बच्चों का मेडिकल परीक्षण था और उसमें उस परीक्षण के आधार पर उनको यहीं पर उनकी जांच करना, यहीं पर जो यहाँ के लेवल से जांच करने के बाद जो प्राथमिक का सर्टिफिकेट जारी करना और एलिम्को कंपनी जो हमारे दिव्यांगों के लिए सामग्री बनाती है ऐसे लोगों के पास जा करके एलिम्को कंपनी उसमें परीक्षण करने को जो जिस लायक है उसके सामान की जाँच करना, नाप लेना और फिर आने वाले समय में वो ऑर्डर करके वो कंपनी नेक्स्ट विजिट में उनको सबको सामग्री उपलब्ध कराएगी। ऐसा करके एक बृहद कार्यक्रम है पूरे ब्लॉक लेवल पर। सभी बच्चों ब्लॉक भी देख रहे हैं कितनी भीड़ है और सुबह से बच्चे आ गए हैं, परीक्षण जारी है, अभी भी परीक्षण चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 50 तक तो मैं सर्टिफिकेट बंटवा चुका हूँ, अभी और भी बन रहे हैं तो ये अच्छी बात है ना। अभी 50-60 और बच्चे हैं तो मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे बच्चों को ले जा कर के रीवा में शिविर में वो बनवा पाना वहाँ पे डॉक्टरों से एक कठिन काम था। ये शासन ने बड़ा अच्छा प्रयास किया है।